आज का हमारा लेक्चर है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि मैं एक एक टेंस को फोकस कर रहा हूँ, लेकिन पेपर में ये मिक्स आते हैं, तो एक एक की अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर डेवलप हो जाएगी तो पेपर में आप उसको आइडेंटिफाई करने के काबिल होंगे। आज हम पास्ट इंडेफिनिट पे फोकस करेंगे और आपने सिग्नल वर्ड्स को ढूंढना है। यस्टरडे, गुजरा हुआ कल, अगो, पहले, लास्ट और प्रीवियस, इन दोनों का आता था पिछला। आपने इन सर्टन वर्ड्स को ढूंढना है तो ये आपको आसानी करेंगे पास्ट इंडेफिनिट को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्मूले की बात करते हैं तो सादा फिक्रे जो होते हैं उसमें सिंपल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का हम इस्तेमाल करेंगे, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता सादा फिक्रों में। लेकिन अगर मनफी या सवालिया फिक्रा है तो उसमें डिड के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं डिड क्या है। डिड की अगर हम बात करते हैं तो डू या डज ये पहली फॉर्म है, डिड उसकी सेकंड फॉर्म है, इसी तरह डन जो है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म लग जाएगी उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सिग्नल वर्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं, अब हम इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, इट डैश टू रेन एन आर अगो, अगो इसमें जो है ये सिग्नल वर्ड आया, इसका मतलब एक घंटा पहले बारिश शुरू हो गई। तो बिगिन ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म बिगेन आएगी, इट बिगेन टू रेन एन आर अगो, इसका मतलब ये कि एक घंटा पहले बारिश शुरू हुई। दूसरे सेंटेंस की अगर बात करते हैं तो ये इंट्रोगेटिव है, एक तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, दूसरा हाउ सबसे पहले है, तो हमने यहाँ देखना है कि सिग्नल वर्ड जो है ये अगो है, अगो ने इंडिकेट किया कि ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जब आपने मनफी या सवाल या फिक्रा बनाना है तो उसमें डिड हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू कम हेयर, तुम कितना अर्सा पहले यहाँ आए। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ आपने डिड हेल्पिंग वर्ब लगाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज का हम डिस्क्रिमिनेट करते थे, यहाँ ये आसानी है कि सादा फिक्रों में सबके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। और अगर मनफी या सवाल यह है तो जैसा भी आपका सब्जेक्ट है उसके बाद उससे पहले आपने डिड लगाना है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं, यहाँ पे यस्टरडे, यस्टरडे गुजरा हुआ कल, जो कल गुजर गया। ही डैश मी यस्टरडे, वो मुझे कल मिला, मीट फर्स्ट फॉर्म है तो मेट जो है ये इसकी सेकंड फॉर्म होगी। यस्टरडे ने हमारी हेल्प की, इस फिक्रे को आइडेंटिफाई करते हैं। फोर्थ सेंटेंस की अगर बात करते हैं, इसमें लास्ट सिग्नल वर्ड है, दे डैश द मैच लास्ट ईयर, पिछले साल वो मैच जीते। विन फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकेंड फॉर्म है वन, तो इस तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। लास्ट सेंटेंस की बात करते हैं, आई डैश द एग्जाम इन 2005, अब देखिए 2023 है और हम 2005 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वक्त गुजर गया है, माजी की बात कर रहे हैं। तो सिंपली पास जो है इसकी सेकंड फॉर्म आएगी जो कि है आई पास्ड द एग्जाम इन 2005। जैसा कि हम प्रीवियस सेंटेंसेस में देख रहे थे, पास्ट इंडेफिनिट को हम देख रहे थे सादा फिक्रों में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जबकि मनफी या सवालिया में डिड हेल्पिंग वर्ब है, ये डू या डज की सेकंड फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये कुछ सिग्नल वर्ड्स मैंने बताए हैं, इनको माइंड में रखते हुए आपने आइडेंटिफाई करना है फिक्रे को। छठा फिक्रा हमारा है, शी डैश ऑल डे यस्टरडे, कल जो गुजरा हुआ कल था उसने सारा दिन काम किया, तो वर्ब की हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे जो कि है वर्बड। इस यस्टरडे ने हमें बताया कि यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। अगर सेवन सेंटेंस की बात करते हैं, इसमें लास्ट जो है ये सिग्नल वर्ड है, ही डैश ऑन मी लास्ट नाइट, कल रात उसने मुझे कॉल की, तो कॉल की सेकंड फॉर्म आएगी कॉल्ड। एट की अगर बात करते हैं, नॉट इंडिकेट कर रहा है, ये नेगेटिव फिक्रा है, यस्टरडे बता रहा है, हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो अंडरस्टैंड का हमने फिक्रा बनाना है, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड इट यस्टरडे, यानी कल तुमने नहीं समझा, जो भी बात थी कल तुमने उसको अंडरस्टैंड नहीं किया। इस फिक्रे की अगर बात करते हैं तो इसमें प्रीवियस जो है ये सिग्नल वर्ड है, आई डैश अ लेटर प्रीवियस मंथ, पिछले महीने मैंने एक लेटर रिसीव किया, काम गुजर चुका है, माजी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रिसीव्ड आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ रिसीव्ड की। लास्ट फिक्रे की अगर बात करते हैं, व्हाइल आई वाज रीडिंग अ बुक, यहाँ वाज आपकी हेल्प कर रहा है कि जब मैं बुक पढ़ रहा था, द लाइट डैश गो आउट जो है इसकी सेकंड फॉर्म आएगी जो कि गो की सेकंड फॉर्म है वेंट आउट, जब मैं बुक पढ़ रहा था तो लाइट चली गई। तो मैंने कोशिश की है कि पास्ट इंडेफिनिट के सिग्नल वर्ड्स, उसका फॉर्मूला और उसकी एग्जांपल आपको बता सकूं।